क्षण आया। जैनों का त्योहार आया हो, जैनों का त्योहार आया। संघ पूजा करने का कर्तव्य, अभी ये संघ पूजा करने का कर्तव्य मतलब संघ की पूजा करना। ये सृजी संघ कहा जाता है, ये चतुर्विध संघ, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, ये चारों अंग मिलकर है, उसको चतुर्विध श्री संघ कहा जाता है। इसमें से एक भी अंग नहीं रहता है तो उसको चतुर्विध संघ नहीं कहा जाता है। संघ जरूर कहा जाता है मगर ये चारों तत्व एकत्रित होते हैं तब जाकर करे चतुर्विध श्री संघ कहा जाता है। तो ऐसे चतुर्विध श्री संघ की यहाँ पे पूजा करना है। पूजा करना है मतलब उनका बहुमान करना है, और बहुमान के साथ के अंदर आपने 10 की नोट किया, 50 की नोट या 100 की नोट दे दिया और आपने बोला संघ पूजा हो गई, ऐसा संघ पूजा नहीं होती। बड़े भावोल्लास के साथ, बड़े बहुमान के साथ के अंदर उनके ललाट के अंदर तिलक निकाल कर करके, कंकु का या केसर का तिलक निकाल कर करके बहुत ही भावपूर्वक हाथ जोड़ कर करे नमन करके ऐसे श्री संघ की पूजा करनी है। तीसरे नंबर के अंदर यात्रात्रिक बताया हुआ है। अभी बताइए यात्रात्रिक यानी क्या? आप हर साल प्रवचन सुनते हैं, ये तीसरा कर्तव्य बताया हुआ है यात्रात्रिक करना। तो यात्रात्रिक क्या करना, किसको कहते हैं यात्रात्रिक? यात्रात्रिक इसी को कहते हैं कि उसको पहला बताता है अष्टानिक का महोत्सव, अष्टानिक का महोत्सव मनाना, और उस महोत्सव के अंदर जिनेश्वर परमात्मा की अतिशय में अतिशय ज्यादा से ज्यादा सुंदर में सुंदर परमात्मा की भक्ति हो जाए, और उसी भक्ति के साथ के अंदर हजारों लोग आकर करके अष्टानिक का महामहोत्सव के अंदर 8 दिनों के महोत्सव के अंदर आकर करके अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करें, ऐसा आयोजन के साथ के अंदर विशिष्ट भक्ति परमात्मा की करनी, इसी को बोलते हैं अष्टानिक का महोत्सव। और दूसरे नंबर के अंदर बताते हैं स्नात्र महोत्सव। मगर स्नात्र महोत्सव प्रत्येक श्रावक और श्राविका जो संपन्न है, जो करा सकते हैं और धन से समृद्ध है, उनको एक स्नात्र महोत्सव अपनी तरफ से मनाना चाहिए। और तीसरी यात्रात्री के अंदर बता दें तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ यात्रा आजू बाजू के जितने भी तीर्थ हैं उस तीर्थों की स्पर्शना करनी है। जैन शासन का श्रावक और श्राविका ऐसे रहने चाहिए कि अपने जीवन के अंदर भारतवर्ष के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, प्राचीन तीर्थ है और अर्वाचीन तीर्थ है, सभी तीर्थों की उसकी यात्रा होनी चाहिए। जितना लंबा है उस तीर्थ की यात्रा करना है, और उसी के अंदर भी प्राचीन में प्राचीन तीर्थ 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल ऐसे पुराने पुराने जिनालयों के अंदर जाकर करके अपने आत्मा को धन्य बनाना है, अपने आत्मा को पुलकित बनाना है, और उसी पुलकितता के साथ के अंदर वहाँ पे जो जिन बिंब है उस जिन बिंब की प्रतिष्ठा अंजन शाला का की हुई रहती है, वैसे कैसे प्राचीन प्राचीन आचार्य भगवंतों और कैसे कैसे धर्म धुरंधर श्रावकों ने ऐसी प्रतिष्ठा की होगी, और बड़े बड़े जिनालयों के अंदर बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भरा कर करके उनका कैसा सुंदर भाव रहा होगा, उसी भावना को ला कर करके उसी के सामने जाकर करे उस परमात्मा की पूजा और अर्चना करनी है, और उसी याचना करके ऐसी तीर्थ यात्रा करनी है, और उसी यात्रा को तीर्थ यात्रा कही जाती है। और सातवें नंबर में आएगा धर्म जागरण। क्यों धर्म जागरण करना है? आज कल्पसूत्र ग्रंथ लेके जाएंगे, वो भाग्यशाली को क्या करना है, अपने घर के अंदर उनकी पूजा वगैरह करना है, और पूजा करने के साथ के अंदर उनका पूजन करके बहुमान करना है, और हो सके उतना रात्रि जागरण करना है। बारसा सूत्र भी जो भाग्यशाली लेके जाएंगे उनका भी क्या करेंगे, जागरण करेंगे, रात्रि के समय के अंदर क्रमशः धर्म जागरण करते जाएंगे, पूरी रात्रि वहाँ पे अखंड दीपक जला कर करके उस ज्ञान की बहुमान के साथ के अंदर पूजा अर्चना होगी, ऐसे धर्म जागरण किए जाते हैं। तो धर्म जागरण वर्ष में एक बार तो प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को करना चाहिए, वो भी धर्म के निमित्त से। धर्म के निमित्त से जागरण करना, इसलिए कोई भी निमित्त ले लेने का, कोई भी परमात्मा का अतिशय का निमित्त ले लेने का, गुरु भगवान का निमित्त लेकर करके ऐसे धर्म के कार्य के अंदर जागरण करना है। अगर धर्म के निमित्त से जागरण किया है तो ऐसा अशुभ कार्यों के लिए जागरण करने का आपका कभी मौका नहीं आएगा। तो ऐसे धर्म जागरण करने की यहाँ पे प्रेरणा करते हैं। आठवें नंबर के अंदर श्रुत की पूजा करना है। अच्छे से अच्छे द्रव्य से, ऊंचे में ऊंचे द्रव्य से मुझे पूजा करना है, ऐसी भावना के साथ के अंदर ये ज्ञान की पूजा करना है, श्रुत की पूजा करना है। श्रुत की जितनी भी आप पूजा करेंगे, श्रुत का प्रभाव जितना भी बढ़ाएंगे, उस बढ़ाने से क्या होगा, अपनी बुद्धि निर्मल होती है, और बुद्धि निर्मलता के साथ के अंदर आने वाली जो पीढ़ी रहती है, अपने परिवार जो रहता है, जो संतति होती है, वो भी बुद्धिशाली पैदा होती है, और उसके अंदर भी रोशनी आती है, ज्ञान की पूजा का ऐसा प्रभाव है। नौवें नंबर में आता है उद्यापन। उद्यापन करना मतलब उजमणा करना। कोई भी विशिष्ट तप रहता है तो उसका उद्यापन होता है, उजमणा होता है। उजमणा के अंदर पंचानिक का महोत्सव, अष्टानिक का महोत्सव, 12 दिन का महोत्सव, 18 दिन का महोत्सव, ऐसे करके महोत्सव होता है, और उसके अंदर उद्यापन होता है। उद्यापन यानी उजमणा। उजमणा के अंदर क्या कहा जाता है, ये जो छोड़ बांधा हुआ है इसको छोड़ कहा जाता है। ऐसे छोड़ बनाए जाते हैं,
तो 5 छोड़, 10 छोड़, 15 छोड़ ऐसे सभी लगाए जाते, उसको उजमणा कहा जाता है। उजमणा के साथ के अंदर उद्यापन करना और महोत्सव करना, और उस तप के लिए देखो इस छोड़ के अंदर नीचे कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो उसके लिए जो निमित्त है उस निमित्त का वहां पे अंकन होता है। और ये छोड़ कहाँ जाते हैं, गुरु भगवान तो जहाँ प्रवचन देते हैं वहां पे लगते हैं, परमात्मा की पूजा अर्चना होती है, स्नातन महोत्सव वहां लगता है, आपके घर के अंदर कोई शुभ प्रसंग आया, गुरु भगवान पधारे, आपने पाठ बिछाया, तो पीछे भी ये बहुमान के रूप के अंदर लगाया जाता है। ऐसा उद्यापन करना है हर एक श्रावक श्राविका को, और सब में नहीं कर सकते तो सबके मिलके एक उद्यापन का उत्सव हर साल आपको मनाना है, ऐसा यहाँ पे आदेश दिया गया है। अभी वापस 10वें नंबर के अंदर तीर्थ की प्रभावना आती है, तीर्थ यात्रा बताई, अभी तीर्थ की प्रभावना करनी है। अगर अपने सारे तीर्थों के अंदर एक एक भाग्यशाली मन के अंदर सोच लें कि मुझे इस तीर्थ का महिमा बढ़ाना है, ऐसा सोचने के साथ उस तीर्थ के इतिहास के अंदर डूब जाने का और पूरे इतिहास को बाहर निकालने का, ये तीर्थंकर परमात्मा का क्या क्या अतिशय है, किसने जिनालय का निर्माण किया, इसके अंदर कितने कितने लोग आते हैं, क्या क्या मेरे प्रभु का प्रभाव है, अतिशय है, ये सारी बात जानने के साथ के अंदर उसका प्रभाव को विस्तृत करना, तीर्थ की प्रभावना करना। ऐसे तीर्थ की प्रभावना करने की बात यहाँ पे बता दें।